और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है लगातार इस पूरे मामले को लेकर। देखिए सियासत हो रही है, अवैध निर्माण पर एमसीडी का एक्शन भी शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंच चुके हैं। इस मामले को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि जो भी अवैध निर्माण है उसे लेकर बुलडोजर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। और आज आप दफ्तर का घेराव कर रही है बीजेपी, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ एमसीडी की तरफ से एक्शन शुरू हो चुका है, अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए कई बुलडोजर पहुंच चुके हैं। और बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि बड़ा हादसा हो चुका है, उसके बाद अब एक्शन लिया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का घेराव करने पहुंची है बीजेपी के कार्यकर्ता, यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तीन छात्रों की दर्दनाक मौत हो जाती है, बड़ी लापरवाही, और इसके लिए जिम्मेदार कौन, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। हालांकि इसे लेकर देखिए पूरे देश में सियासत खूब चरम पर है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अपडेट आपको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि एमसीजी के अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे, तो बुलडोजर एक्शन होगा। जो भी अवैध निर्माण है इस मामले को लेकर आपको बता दें कि कोचिंग के संचालक को गिरफ्तार भी कर दिया गया है। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कोचिंग सेंटर में, शनिवार को जो दर्दनाक मौत हुई तीन छात्रों की, उसके बाद दूसरी तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं बुलडोजर का एक्शन होगा, जो भी अवैध निर्माण है वहां पर ये एक्शन लिया जाएगा, बुलडोजर से ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अब तक 13 ऐसे कोचिंग है, लाइब्रेरी है, जिसे सील भी कर दिया गया है, जो कि बेसमेंट में है। बेसमेंट की बात की जाए, करोल बाग, राजेंद्र नगर ऐसे कई जगह हैं जहां पर बेसमेंट में कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। 65% ही ऐसे हैं जिन्हें लाइसेंस मिल चुका है, और कई ऐसे जगह हैं जहां पर आपको बता दें कि अवैध तरीके से ही चल रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे, सभी